ओके सर, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैप्टर के अंदर। और आज हम आपके साथ करने वाले हैं क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग। बच्चों, क्या आपने ये मार्जिनल वर्ड सुना है कभी? मार्जिनल वर्ड सुना हुआ है? मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एनीबडी? मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल। राइट। व्हेन यू से द वर्ड इज मार्जिनल इज देयर, दिस मीन्स बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा, और यू कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशनल। राइट। सो व्हेन वी से मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशनल कॉस्टिंग। राइट। देखो, हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग हमारे पूरे के पूरे कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर, कॉस्टिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं हुआ तो यकीन मानो हमारे बिजनेस के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस फ्लॉप हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट कमा के दे सकते थे, वो प्रॉफिट हमारी कंपनी को रिसीव नहीं हो पाएगा। राइट। अब सर, नहीं, आपकी जरूरत नहीं है। राइट। ओके, हमने कहा कि मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब एडिशनल कॉस्टिंग, और यू कैन से एक्स्ट्रा कॉस्टिंग। अब सर, इस मार्जिनल कॉस्टिंग में, एक्स्ट्रा कॉस्टिंग में हमें करना क्या है, मैनेजमेंट को इसकी कैसे हेल्प मिलती है? देखो, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन सवाल पूछूंगा, और यकीन मानो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है ना, ये पूरी की पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग को कंप्लीट कर देता है, खत्म कर देता है। कैसे? मैंने कहा एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि सपोज करो आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, आपने अभी तक मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं पड़ी हुई, आप ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट इंकर्ड करते हो अपने बिजनेस के अंदर, और एक दूसरी तरह की कॉस्ट कंसिडर करते हो। कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं कहता हूँ कि फिक्स कॉस्ट बताओ, वेरिएबल कॉस्ट बताओ, आपने अपनी पूरी की पूरी कैलकुलेशन की, फिक्स कॉस्ट में आपने रेंट खर्च किया है। राइट। रेंट फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। राइट। आपने रेंट खर्च किया है, आपने मैनेजर की सैलरी पे की है, आपने इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी चार्ज किया है। तो ये सब जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, ये कौन से वाले एग्जांपल्स हैं? फिक्स कॉस्ट। राइट। तो आपने फिक्स कॉस्ट खर्च की है, और इस सारी फिक्स कॉस्ट का मैंने लमसम अमाउंट बना दिया, सपोज इट्स ₹2 लाख। राइट। और इसके साथ साथ आप जो नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने की बात करते हो, तो आप नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो 10,000 यूनिट्स। राइट। तो ऑब्वियसली आपके पास जो कॉस्ट पर यूनिट है, यानी कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, आप एक यूनिट की कॉस्ट कितने रुपीज़ की आ गई? ₹20। तो आप ₹20 के हिसाब से हर प्रोडक्ट से ₹20 पर यूनिट फिक्स कॉस्ट की रिकवरी करना चाहोगे। राइट। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट मैंने कहा ये है ₹1 लाख की। अब बच्चों, ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट मतलब मैंने कहा आपने कॉस्ट खर्च की है फॉर दिस इन द रॉ मटेरियल, इन द डायरेक्ट लेबर, इन द वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट है, ये हर यूनिट के साथ वेरी करता है। राइट। जितने ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ये वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, और जितने कम प्रोडक्शन करोगे, ये वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट इज बेसिकली फ्लक्चुएट विद द नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हमारी वेरिएबल कॉस्ट किसके साथ फ्लक्चुएट करती है? विद द नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। जितनी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट, और जितनी कम प्रोडक्शन उतनी कम वेरिएबल कॉस्ट। राइट। तो बच्चों, अगर आपको ये बात समझ आ गई, तो फिर से बताओ, ₹1 लाख की वेरिएबल कॉस्ट खर्च की, और 10,000 यूनिट्स के लिए आपने हर यूनिट पर कितने रुपए का बर्डन डाल दिया? ₹10 का। तो बच्चों, इस तरह से आपने कहा कि आपका जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ₹30, और बच्चों आपको तो सेलिंग प्राइस बताना लगाना होता है, तो वहां पर प्रॉफिट भी ऐड करते हो। सपोज करो आप यहां पर प्रॉफिट ऐड करने जा रहे हो 30%, तो ₹30 का 30% कितने रुपीस? ₹9। सो इसका मतलब हुआ ये कितना बन जाता है? 39। राइट। और इसी 39 को हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली इट इज बेसिकली सेलिंग प्राइस पर यूनिट। दिस इज बेसिकली सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ₹39 में बेचना पसंद करोगे, और आप इस तरह से अपनी 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, और 10,000 यूनिट मार्केट में सेल आउट कर रहे हो।
इज इट राइट और रॉन्ग? राइट. और अगर आपने अपने प्रोडक्ट को 39 से कम में बेचा तो आपको अपना डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट 9 रुपए का रिलाइज नहीं हो पाएगा. राइट. अब सर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं पड़ी हुई. राइट. अब आपके पास एक नया ऑर्डर आ गया. नाउ सपोज यू हैव द न्यू ऑर्डर. राइट. और जो ये नया ऑर्डर आया है, इस न्यू ऑर्डर के अंदर आपको ये कहा गया है कि एक न्यू कस्टमर है, एक नया कस्टमर है, और जो ये नया कस्टमर है, ये नया कस्टमर आपसे कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहता है, मतलब खरीदना चाहता है. सपोज ये चाहता है कि वो आपसे 5000 यूनिट्स परचेज करे. राइट. आप एक परचेज, मतलब आप एक डिपार्टमेंट में हेड हो. राइट. आप एक सेल्स डिपार्टमेंट में हेड हो, और सेल्स डिपार्टमेंट में हेड होने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि इस कस्टमर को 5000 यूनिट्स मार्केट 5000 यूनिट्स बेचें या ना बेचें. तो बच्चों, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट के हेड हो तो डेफिनेटली आप इस कस्टमर को अपनी कंपनी के साथ अटैच करना, हाँ जी, चाहोगे. यस ना. आप अपने इस पर्सन को पर सर इसकी अलग चॉइस है. ये जो नया कस्टमर है इसकी अपनी अलग चॉइस है. इसकी चॉइस है कि वो 5000 यूनिट्स आपसे परचेस तो करे बट 39 में ना परचेस करे. पर ये कहता है कि ये आपसे आपका जो प्रोडक्ट है वो 15 रुपये में लेना चाहता है बस. कितने में? 15 रुपये में. अब आप बताओ, क्या आप इस कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को बेचना पसंद करोगे? वर्ड यू एडवाइस टू द मैनेजमेंट टू सेल द प्रोडक्ट एट ₹15 और नॉट? सारी डेटा आपके सामने. इसको डेट के देख के साफ साफ लगता है कि हम अपने कस्टमर को ये 15 रुपये में प्रोडक्ट को बेचना पसंद, यस प्लीज, करेंगे या नहीं करेंगे? अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे. और मार्जिनल कॉस्टिंग सीखने के बाद करेंगे. करेंगे. आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, हम तो नहीं करेंगे. 20 रुपये की फिक्स कॉस्ट, 10 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट, 30 रुपये तो हमारी खुद का खर्चा है. 30 रुपये की जगह इसको 15 में बेच दिया तो यहाँ पर तो हमारा 15 रुपये का तो नुकसान हो जाएगा. तो नुकसान झेलने के लिए कि हम बैठे. राइट. तो ये मन में आपके विचार आ रहा है कि क्या हम अपने इस कस्टमर को 15 रुपये में बेचकर 15 रुपये का नुकसान अपनी जेब से लेने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं. तो बच्चों, आप जो सोच रहे हो ठीक है, आप सही सोच रहे हो, पर इसको थोड़ा सा और ध्यान से सोचो. और ध्यान से सोचो सर. देखो, जब आप 15 रुपये में इस कस्टमर को 5000 यूनिट बेच रहे हो, और बहुत ध्यान से सोचो ये कि इस कस्टमर के लिए आपका जो एडिशनल कॉस्ट खर्च होगी, आपकी जो एडिशनल कॉस्ट खर्च होगी, वो एडिशनल कॉस्ट कितने रुपए की खर्च होगी? 10 रुपये की या ये 20 रुपये? क्या आप ऐसा कहोगे जिस लैंडलॉर्ड को आपने रेंट पे किया था फिक्स कॉस्ट का, वो रेंट इस कस्टमर की वजह से बढ़ जाएगा? क्या मैनेजर की सैलरी बढ़ जाएगी, सुपरवाइजर की सैलरी बढ़ जाएगी, मशीनरी का डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा? नो. आपके फिक्स कॉस्ट के खर्चे इस कस्टमर के आने के बाद ना तो इंक्रीज होंगे और ना तो, यस प्लीज, डिक्रीज होंगे. आपको इस कस्टमर की वजह से अपनी फिक्स कॉस्ट को तो कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च नहीं करना पड़ेगा. फॉर विद रिगार्ड टू दिस कस्टमर यू हैव टू इंकर एडिशनल कॉस्ट ऑफ रुपीज ओनली एंड ओनली, यस प्लीज, 10 per unit. राइट. अब बच्चों, जब 10 रुपये पर यूनिट आपको एडिशनल कॉस्ट खर्च करनी पड़ रही है तो इसके बदले में आपको मिल कितने रहे हैं? 15 रुपये. और आपको 15 रुपये सेलिंग प्राइस मिल रहा है और आपको 10 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट खर्च करनी पड़ रही है. इसका मतलब है आपको 15 - 10 कितने रुपये इसका बेनिफिट हो रहा है? 5 रुपये पर यूनिट का. और ये 5 रुपये पर यूनिट के बेनिफिट को, दिस इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. राइट. इस सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस करके जो अमाउंट आता है, इसको हम बच्चों बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. राइट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपये पर यूनिट का है. कितनी यूनिट से ये कंट्रीब्यूशन मिलेगा? हाँ जी, कितने यूनिट से ये कंट्रीब्यूशन मिलेगा? 5000 यूनिट से. तो इस तरह से आपके पास जो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, दैट विल बी रुपीस. हाँ जी, दैट विल बी रुपीस. कितने रुपीस? 25000.
इस तरह से आपके पास 25,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा आएगा बिकॉज ऑफ दिस कस्टमर, राइट। और बच्चों इस 25,000 रुपए के लिए जो आपने जो एडिशनल कॉस्ट खर्च की थी यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो जाएगी एंड यू विल हैव एक्स्ट्रा 25,000 रुपीज। तो इस एक्स्ट्रा 25,000 के लिए आप अगर इस कस्टमर को अपने कस्टमरी में सामान नहीं बेचते तो ये पैसे आपको रिसीव नहीं होंगे, राइट। सो फॉर द सेक ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूशन यू विल सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। दैट इज वॉट द मार्जिनल कॉस्ट इज, दैट इज वॉट द वेरिएबल कॉस्ट इज। मार्जिनल कॉस्ट का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड क्या, वेरिएबल कॉस्ट, राइट। जनरली मार्जिनल कॉस्ट ही हमारी बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट होती है, पर इसका एक्चुअल जो नाम है वो है एडिशनल कॉस्ट। जनरली कस्टमर के लिए मतलब जब हम एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो खर्च होती है वो क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। तो इसी वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या कह देते हैं, एडिशनल कॉस्ट, और यू कैन से मार्जिनल कॉस्ट। बट समटाइम्स दिस में हैपन, ऐसा कभी हो सकता है कि हमारे इस कस्टमर की ना एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है, राइट। हमारे इस कस्टमर को एक स्पेशल, हमारा जो प्रोडक्ट है ना एक स्पेशल पैकेजिंग पैकिंग फॉर्मेट मिलना चाहिए। मींस ये कस्टमर कहता है कि आप अपने अपने प्रोडक्ट की पैकिंग बढ़ाओ और हमें एक एक्स्ट्रा डब्बे के अंदर पैक करके दो, हमें ऐसा नहीं चाहिए। और जो ये एक्स्ट्रा पैकिंग बॉक्स है इसके लिए हमें 2 रुपये पर यूनिट का अमाउंट एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। तो बच्चों ये जो 2 रुपये पर यूनिट इस कस्टमर की रिक्वायरमेंट के लिए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो आवर एडिशनल कॉस्ट, राइट। तो आप यहां पर एडिशनल कॉस्ट में 10 नहीं बल्कि 10 जमा 2 12 रुपए कंसिडर करेंगे, कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 3 रुपए। पर 3 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन अभी भी मिलेगा और ये 15,000 का कंट्रीब्यूशन हमारे प्रेजेंट प्रॉफिट को बढ़ा देगा। यस ना, पक्का पक्का, ओके। तो बच्चों यकीन मानो पूरा का पूरा चैप्टर इसी के आसपास घूमता है, पूरा चैप्टर। आने वाली पांच क्लासेस जो कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग पर लगाने वाले हैं, तो पांचों की पांचों क्लासेस में इसी एग्जांपल को आसपास तरह से घुमाया जाएगा, डिफरेंट वे में घुमाया जाएगा। कभी आपको ये लगेगा नहीं कि आप कोई पुरानी चीज पढ़ रहे हो, बट सर इनडायरेक्टली आपको पढ़ाया ही जाएगा, राइट। और यू कैन से मार्जिनल कॉस्टिंग इज नथिंग बट द बाइफिकेशन ऑफ द कॉस्ट इनटू 2 पार्ट्स, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इज नथिंग बट द वेरिएबल कॉस्टिंग, राइट। एंड हियर द डिसीजंस रिगार्डिंग द डिसीजन रिगार्डिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट विल बी कंसिडर ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इज इट क्लियर। अच्छा देखो, अगर मैं आपके ध्यान से बात मैं आपसे बात करूं, इसी में थोड़ा सा और आगे बता रहा हूं। मैंने कहा अगर आपको ध्यान से मैं और बात कराऊं, अगर मैं प्रैक्टिकली आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूं, तो आपको याद है जब रिलायंस जब आप फोन आए थे, जब पहले होता था वोडाफोन नहीं होता था, पहले वोडाफोन का क्या नाम था, हच था, राइट। पहले हच होता था, राइट। पहले हच फोन आया था। अब जब हच फोन आया था तो इस समय कॉल रेट्स क्या होते थे, कॉल रेट्स पर कॉल, यस, मालूम है कुछ आपको, 20 रुपए था, 20 रुपए पर मिनट, वी विल नॉट बिलीव, 20 रुपए पर यूनिट, पर मिनट मतलब। उस समय उन लोगों ने यहां पर बेसिकली अपनी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट को डाला हुआ था, राइट। फिर एयरटेल आया, राइट। उसके बाद मार्केट के अंदर रिलायंस ने एंट्री की, फिर टाटा ने एंट्री की। तो इन लोगों को अपने अपने इस कॉल रेट को कम करना पड़ा, राइट। तो वो लोग इस केस में क्या कम रिकवर कर पा रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर पा रहे हैं बट फिक्स कॉस्ट का एक थोड़ा सा हिस्सा रिकवर कर पा रहे हैं, राइट। सो किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाती है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन अर्न करती है वो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन वो फिक्स कॉस्ट की रिकवरी का काम करता है। और एक बार अगर फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए तो उसके बाद जितना कंट्रीब्यूशन बचता है वो कंट्रीब्यूशन खुद ही क्या बन जाता है, प्रॉफिट। अब सर इस चीज को थोड़ा सा रुको, इसको हम और अच्छे तरह से डिटेल में समझेंगे, पर पहले एक छोटा सा एग्जांपल कॉपी कर लो।
हाँ जी बच्चों डन, ओके सर आगे चलते हैं। ठीक है सर, तो बच्चों मुझे आपको ये सब सिखाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या सिखाना चाहिए, व्हाट यू से, मुझे आपको सबसे पहले सिखाना चाहिए दैट व्हाट वी मीन बाय द वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि जब तक हम इस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं समझ लेते तब तक हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग है ही वेरिएबल कॉस्टिंग, राइट। सो वेरिएबल मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स नाम लिखवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग समरी बनाते हैं, तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप इन सबको आप समरी में लिखते, ठीक है। जब भी मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट टू, तो जितने भी कॉन्सेप्ट आपको लिखवा रहे हैं सब कहाँ चला जाएगा, समरी में। और क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे नॉर्मल लेवल आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग समरी बना रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर वन, और कॉन्सेप्ट नंबर वन के अंदर हमने आपको कहा कि हमारी कॉस्ट इस चैप्टर के अंदर बेसिकली मेनली दो पार्ट में बाइफिकेटेड होगी, नंबर वन वेरिएबल कॉस्ट एंड नंबर टू फिक्स कॉस्ट, राइट। हालांकि ये आपने बहुत बार पहले पढ़ा भी हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, बट फिर भी क्योंकि हमें इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट है तो इसको हम एक बार फिर से रीड कर रहे हैं, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या लिखे हम, एनीबडी, राइट राइट, हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच विच चेंजेस विद चेंज इन Change in production, right? तो बच्चों production के साथ साथ ये जो cost है ना ये change होती रहती है। मैंने आपको एक छोटा सा graph बनाया, मैंने कहा सर मान लो कि ये x axis जो है वो production है, right? Production जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी जो ये fixed variable cost होगी ये भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, राइट। मैंने कहा प्रोडक्शन जो है वो इस तरह से है, यहाँ पर है 5000 यूनिट्स एंड देन 10000 यूनिट्स एंड देन 15000 यूनिट्स, 20000 यूनिट्स, 25000 यूनिट्स, 30000 एंड सो ऑन, राइट। और जो ये हमारी इस तरफ लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है, दिस इज बेसिकली कॉस्ट, राइट। आप सर ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है यहाँ पर एज्यूम डैट 10000, 20000, 30,000 एंड देन 40,000 एंड सो ऑन। और वो तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, देखो जब प्रोडक्शन जीरो होगा तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी होगी, जीरो। पर जैसे जैसे अब ये प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती रहेगी, बढ़ती। तो बच्चों जब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की तो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ इस तरह से बढ़ता है, राइट। अब सर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि रॉ मटेरियल जो जनरली होता है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज वेरिएबल या फिक्स, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज वेरिएबल, रॉ मटेरियल इज ऑलवेज ऑलवेज वेरिएबल। मैंने कहा रॉ मटेरियल इज रुपीज, सपोज 5 रुपए पर यूनिट, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। बच्चों मैंने कहा आपने आपने सीए कर लिया, आपने सीएमए कर लिया, और सीए सीएमए करने के बाद आपने जॉब सर्च की, जॉब मिली पर आप जॉब नहीं करना चाहते, राइट। जॉब नहीं करना चाहते तो आपने कहा चलो एक शॉप खोलते हैं, राइट। और आपने लक्ष्मी नगर के अंदर बहुत सर्च किया और ये सोचा कि लक्ष्मी नगर में ही जॉब शॉप खोलेंगे, दुकान खोलेंगे। हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया लक्ष्मी नगर से तो हम यहीं से ही पैसा कमाएंगे, तो इस शॉप के लिए आपने जब सर्चिंग की तो पता चला कि लक्ष्मी नगर में जो सबसे ज्यादा कमाई है वो सबसे ज्यादा कमाई है आप गलत सोच रहे हैं, सबसे ज्यादा शॉप में यहां पर कमाई है वो है कचौड़ी बेचने में। शायद आपको मालूम नहीं होगा लक्ष्मी नगर में सबसे ज्यादा कचौड़ियां बिकती हैं, है ना, अच्छा जगह जगह पे कचौड़ियां बिकती हैं, राइट। और ये लोग बहुत अच्छा मार्जिन के साथ कमाते भी हैं। तो बच्चों क्या क्या जरूरी है, पैसा कमाना या ये सोचना कि ये छोटा काम है या बड़ा काम है, पैसा कमाना, है ना। तो आपने कहा कि कचौड़ी का काम करते हैं, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो गया। तो आपने एक अपनी दुकान खोल दी और इस दुकान का नाम रखा
हाँ जी सी ए सी एम ए कचौड़ी वाला राइट तो आपने इसका छोटा नाम दे दिया राइट सी के वी अब सर सी के वी आपने खोल तो दिया पर अब सर आप तो पढ़े लिखे हो राइट अब पढ़े लिखे हो तो अपने कचौड़ी की दुकान के जितने भी खर्चे होते हैं उन सभी के सभी खर्चों को आप दो पार्ट्स में बांट रहे हो कौन कौन से पार्ट्स में बांट रहे हो आप कह रहे हो कि एक कॉस्ट तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और एक हमारी फिक्स कॉस्ट है राइट और वेरिएबल कॉस्ट मुझे बताओगे इस कचौड़ी के लिए आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो कौन सी होगी ऑब्वियसली कचौड़ी बनाने के लिए आपको मैदा चाहिए मैदा बनती है ना और आपको आलू चाहिए आलू ऑयल चाहिए राइट राइट आपको गैस चाहिए तो ये जितना भी खर्चा है ये जितने भी आपके पास यहाँ पर लिख रहे हैं दीज आर द रॉ मटेरियल और जितने ज्यादा कचौड़ी बनाओगे उतने हमारा ये सारा सामान भी और जितने कम बनाओगे उतना
भी चेंज नहीं होगी, राइट सर? ओके ओके ओके। तो बच्चों अगर मैं आपको ये कहूँ फिर से कि बच्चों मुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफ, तो ग्राफ का मतलब ये हुआ, फिर से ये रहा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के साथ साथ ये है क्या बच्चों, दिस इज द बेसिकली कॉस्ट, राइट। और प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ साथ ये प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ साथ कॉस्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, कॉस्ट विल इंक्रीज और नॉट? नो, कॉस्ट विल नॉट इंक्रीज, यानी कि इट विल रिमेन्स सेम, दिस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। तो फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इज इट क्लियर? राइट। तो बच्चों अब आपने ये समझ लिया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा भी, प्रोडक्शन अगर मैंने आपको कहा 500 यूनिट्स, मैंने आपको कहा 1000 यूनिट्स और मैंने आपको कहा 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स, राइट। इन सभी के सभी लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर मैंने आपको कहा कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो है सपोज करो ये रही 1,00,000, राइट। बताना 1000 यूनिट्स पर भी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 1,00,000 ही होगी। 5000 यूनिट्स पर भी हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 1,00,000 ही होगी, राइट। तो बच्चों अब अगर आपको ये कहा जाए कि भाई फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करके बताना कितनी है, इट विल बी 1,00,000 डिवाइड बाय 500 कम्स टू रुपीज 200। 1,00,000 डिवाइड बाय 1,000 हाउ मच कम्स टू रुपीज 100। 5,00,000 डिवाइड बाय 5,000 कम्स टू रुपीज क्या, 20। ये क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या सेम रहती है या कम होती जा रही है? क्यों कम होती जा रही है, थोड़ा सोच कर देखना। फिक्स कॉस्ट का लमसम का अमाउंट तो 1,00,000 रुपए ही है हर लेवल पर, बट पहले अब जब आप प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाते जा रहे हो तो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो ज्यादा यूनिट्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो फिक्स कॉस्ट 1,00,000 ही है, पहले 500 यूनिट में बटी तो हर यूनिट के लिए 200 रुपए, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट 1,00,000 ही है, यहां पर कितनी यूनिट्स पर बकी, तो 100 रुपए पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 1,00,000 ही है, 5,000 यूनिट्स पर बटी 20 रुपए यूनिट। तो मतलब जब आप फिक्स कॉस्ट का अमाउंट ज्यादा यूनिट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बांट दोगे, तो आपके पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑब्वियसली कम होता जाएगा, और यही हमारे पास हो भी रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या बना दूं मैं, कॉन्सेप्ट क्या बनाऊं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड वाइस वर्सा, राइट। तो यही लिखेंगे दैट फिक्स्ड कॉस्ट, ये पर यूनिट है बच्चों, पर यूनिट, इस पर यूनिट को आप बहुत अच्छे तरह से बॉक्स बना देना। पहले हम जो बात कर रहे थे वो हम लमसम में बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं पर यूनिट में। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन क्या, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज होती जाती है। इज इट क्लियर? चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, हम आगे चलते हैं। कॉपी करना है या कॉपी कर लिया? गुड। तो बच्चों ये हमारा अभी पहला कॉन्सेप्ट था, अभी हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे नहीं गए हैं। अभी तो हमने सिर्फ किसके बारे में सीखा है, फिक्स कॉस्ट के बारे में एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, और कुछ भी अभी तक नहीं सीखा। राइट। अब सर हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 के बारे में। अब सर ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमेशा हमेशा हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा, ईच एंड एवरी टाइम दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड, राइट। ये क्या है, देखो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि सारी चीजें सिंपल हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट
एंड प्रॉफिट बनाया करेंगे। और बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट हम ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चंस में बनाया करेंगे, और हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएं, राइट। और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हमेशा जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग आप प्रिपेयर करेंगे तो इसी सीक्वेंस से प्रिपेयर करेंगे। किस सीक्वेंस से? कि आप सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। और बच्चों सेल्स मतलब रेवेन्यू ऑब्वियसली, और इसको आप दो फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे हमेशा, एक तो टोटल एंड दूसरा पर यूनिट, टोटल एंड पर यूनिट, राइट। तो बच्चों टोटल एंड पर यूनिट लिख दिया, और इसको लिखकर आपने इसको नाम दे दिया ए। इसके बाद आप कंसिडर करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, राइट। और बच्चों ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो वेरिएबल कॉस्ट किसी भी शॉप की क्या हो सकती है? नंबर वन रॉ मटेरियल, नंबर टू वेजेस टू द वर्कर्स, राइट। तो मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकती है? नंबर वन रॉ मटेरियल, और क्या हो सकती है? वेजेस, राइट। तो जो भी आपके पास है ये सब वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट, इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल ये होता है, यहाँ पर कवर्ड हो जाएगा, राइट। तो जो भी अमाउंट है ये आप कंसिडर करेंगे, व्हाट एवर इट इज, राइट। तो आपने इस वाले वेरिएबल कॉस्ट को एक नाम दे दिया, नाम नंबर बी। और बच्चों रेवेन्यू में से, सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट हटा दोगे तो याद है अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा था, इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन। जब भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, इसलिए सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करना, उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकालना, उसके बाद फिक्स कॉस्ट निकालना, राइट। कंट्रीब्यूशन अब आप फाइंड ऑलरेडी कर चुके हो, अब कंट्रीब्यूशन जैसे ही आप फाइंड कर चुके हो, इस कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस कर दोगे अब क्या? फिक्स कॉस्ट, राइट। और जो ये फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है, थोड़ा सोचो। आपका बिजनेस, अपना बिजनेस मान के चलो, और बताओ क्या हो सकता है? शॉप का रेंट, राइट। और सोचो आपने जो ये मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इस पर डेप्रिसिएशन, राइट। इसके अलावा आपने एक मैनेजर रखा होगा जो इस पूरे काम को सुपरवाइज करेगा, तो मैनेजर्स सैलरी, राइट। और थोड़ा सोचो और क्या हो सकता है? पावर इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकता है, बिल्कुल। तो बच्चों ठीक, वेरिएबल फिक्स पे डालते हैं इसे हम, हाँ जी, फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है ध्यान से सुने। मैंने कहा रेंट, मैनेजर्स सैलरी एक्सेट्रा लिख दिया मैंने, राइट। और बच्चों जब आप इस तरह से फिक्स कॉस्ट का भी टोटल कर दोगे, और अब इस फिक्स कॉस्ट को आपने ऑलरेडी कहाँ से माइनस कर दिया? कंट्रीब्यूशन में से। तो अब जो डिफरेंस बचेगा, अब इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली प्रॉफिट, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर टू है, और साथ ही साथ ये एक ऐसी स्टेटमेंट भी है जो कि मेरे अकॉर्डिंग आप हमेशा हमेशा 95% क्वेश्चन में प्रिपेयर करोगे। 5% क्वेश्चन में बाय चांस ना जरूरत पड़े, बट 95% क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट नंबर टू, देखो वेरिएबल और फिक्स में ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इसको ट्रीट कर रहे हो। वेरिएबल फिक्स इस बात पर डिपेंड करता है, हम यहाँ पर प्रोडक्ट यूनिट बनाने के लिए बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर जो इस वाले शॉप के अंदर जो लाइटिंग लगेगी, लाइटिंग मतलब बल्ब, पंखा, ट्यूब, राइट। अब मुझे बताना, क्या हमारे कचौड़ी बनने के साथ साथ ये ट्यूब के जलने का, बल्ब के बनने का कोई रिलेशनशिप है? बोलो, नहीं है। इट विल ऑन एवरी टाइम, इट इज फिक्स्ड। अगर आप कहते हो कि हम लोग यहाँ पर गैस से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जो है ये इंडक्शन यूज करते हैं, अब ये इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है, अब इसका रिलेशनशिप डायरेक्टली हमारी इस कचौड़ी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, नाउ इट विल बी यूज्ड फिक्स्ड, राइट। सो डिपेंड करता है कि आप किस कंटेक्स्ट से बात कर रहे हो, लाइटिंग या पावर। फिलहाल मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसमें डाइवर्ट नहीं हुआ। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, बिल्कुल ठीक है, हम आगे चलते हैं, और इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर थ्री पर आते हैं।
कॉपी कर लिया आपने या नहीं? राइट, आफ्टर दिस यू हैव टू कॉपी कॉन्सेप्ट नंबर 3. And the concept number 3 is, that is PV ratio, मतलब profit volume ratio, right? बच्चों यकीन मानो आपको ये जो सिखाया जा रहा है हमारे marginal costing में यही सब use होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, right? और exams के लिए ये marginal costing बहुत बहुत important है. मतलब पिछले 10 अटेम्प्ट उठा के देखोगे तो 10 अटेम्प्ट में से शायद ही कोई एक अटेम्प्ट हो जिसमें कि इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन ना आया हो, एक अटेम्प्ट में बाय चांस ना आए हो, पर बाकी के 9 अटेम्प्ट के अंदर ये चैप्टर 100% आया होगा, राइट? मतलब वो भी कम मार्क्स का नहीं, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर का भी आया होगा, राइट? तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे चलते हैं. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. तो बच्चों ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या होती है? तो बच्चों जब भी हम आपको कहते हैं रेशो, तो रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो स्टैंड फॉर द रिलेशनशिप, राइट ना? देखो आपने बचपन में बहुत सारी रेशो सीखी हुई हैं, बहुत सारी रेशो सीखी हुई हैं. मतलब क्या? हाँ, आपने सीखी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. ग्रॉस प्रॉफिट इज रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स. तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स में रिलेशनशिप बताया. नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट एंड सेल्स में रिलेशनशिप. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स में रिलेशनशिप, राइट? आपने बहुत सारी रेशो सीखी हुई हैं, एक और रेशो आ रही है, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स इन टू 100, राइट? और इसका एक और फॉर्म ऐसा लिख सकते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आता है बच्चों? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके. इसको आप ऐसे लिख दो दैट इट इज बेसिकली सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100. दिस इज आल्सो द रेशो, राइट? और ध्यान दो, इसके अलावा अभी जो आपने स्टेटमेंट बनाई थी, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की जो स्टेटमेंट आई थी ऐसे लिखा था आपने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या बन गया था? कॉन्ट्रीब्यूशन. हाँ, माइनस फिक्स कॉस्ट कर दिया था तो क्या आपके पास क्या आ गया था? प्रॉफिट. तो बच्चों अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है तो आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर सकते हो. इसके अलावा आप बैकवर्ड भी तो जा सकते हो, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट विल बी द कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? तो यही हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 विल बी द कॉन्ट्रीब्यूशन. इज इट क्लियर? अच्छा, इसके बाद इसका बच्चों एक और फॉर्मूला है. इसका हमारे पास एक और फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख तो रहा हूँ बट अभी समझा नहीं रहा. एक समय आएगा जब मैं इसको समझाऊंगा, राइट? बस इसको लिख कर छोड़ देना. दैट इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. तो ये जो बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा? दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. इज इट क्लियर? यस प्लीज. ओके, तो ये आपके पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आ गया. तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं एक छोटा सा नंबर्स न्यूमेरिकल इसमें डाल रहा हूँ. मैंने कहा आपका जो सेल्स है वो 10 लाख का है, आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 4 लाख का, कंट्रीब्यूशन 6 लाख का हो गया. तो अब आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैसे फाइंड करोगे? इट्स 6 लाख अपॉन 10 लाख इनटू 100. तो ये कितना बन गया बच्चे? 60%.
60% ना, तो ये 60% को मैं कैसे इंटरप्रेट करूं, कैसे इसको एक्सप्लेन करके बताऊं कि 60% क्या शो कर रहा है। मैंने कहा योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज 40%, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 40% शो करता है दैट योर ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट विल बी 40% ऑफ द सेल्स। इफ योर नेट प्रॉफिट रेशो इज 30%, तो व्हाट डू मीन बाय दिस 30%? नेट प्रॉफिट इज 30% ऑफ द सेल्स, राइट। तो अगर आपने ये फाइंड कर दिया पीवी रेशो 60%, तो ये 60% बेसिकली क्या शो कर रहा है? व्हाट यू मीन बाय द 60%? ये 60% है क्या? सेल्स का 60% क्या चीज है? प्रॉफिट नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी तो हम किसका रिलेशनशिप बना रहे हैं? कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स का। तो जैसे कि मैंने कहा 60% इज द कंट्रीब्यूशन, जस्ट सी दिस, 10 लाख का 60% कंट्रीब्यूशन कितना बन गया, राइट। एक्चुअल में इसका नाम गलत रखा हुआ है, नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। एक्चुअल में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम प्रॉफिट नहीं बताती, ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बेसिकली क्या बताती है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो प्रॉफिट तो बता ही नहीं रही, ये तो कंट्रीब्यूशन बता रही है। तो इसलिए हमारी पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो एक्सप्रेस करती है वो कंट्रीब्यूशन एक्सप्रेस करती है। इसका नाम मुझे बेसिकली प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ना करके कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो रखना चाहिए। एक्चुअल में मुझे इसका नाम क्या रखना चाहिए? मुझे रखना चाहिए कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। तो कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो का मतलब हुआ दैट व्हाट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज देयर विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स, राइट। सो मैं इसको इंटरप्रेट करता हूं, इसको इंटरप्रेट करके आप भी लिखेंगे। इट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज 60% ऑफ, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 60% ऑफ सेल्स, राइट। तो बच्चों इसको हम फिर से एक बार और आपके सामने एक्सप्रेस कर देते हैं, इसको ऐसे इंटरप्रेट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 ही चल रहा है अभी तो। If I say that the contribution ratio is equal to 40%, it means contribution is 40% of sales. It means contribution is 40% of sales. This is for always. मैंने एक एग्जाम्पल अलग से लिखा है, इज इट क्लियर? अच्छा तो बच्चों देखो, मैंने आपको कहा दैट योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन आर 70%, तो इसका मतलब है कि टोटल मार्क्स का 70% आप मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो, राइट। तो कितने मार्क्स ऑब्टेन आप नहीं कर रहे? 30% आपने बता दिया, राइट। मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%, तो मतलब बाकी 80% क्या शो कर रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। अच्छा मैंने कहा नेट प्रॉफिट रेशियो इज 50%, तो बाकी 50% क्या शो कर रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, अब हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड होगा, राइट। तो मतलब जब कोई एक रेशो हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसका बाकी जो पोर्शन है वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहा होता है। मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है कि सपोज पीवी रेशो 40%, तो आपने कहा कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। अगर मैं आपको, चलो आपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग कहता कि हमारा कंट्रीब्यूशन रेशो 60% है, तो आप क्या कहते दैट द पीवी रेशो 60% मींस कंट्रीब्यूशन इज 60% ऑफ सेल्स। तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 40%, बाकी 40% का क्या, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? यस प्लीज, वेरिएबल कॉस्ट। बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, सेल्स हमने कहा था 10 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट हमने कहा था 4 लाख की, कंट्रीब्यूशन हमने कहा था 6 लाख का, राइट। हमने 6 लाख और 10 लाख का रिलेशनशिप बना दिया, ये आ गया 60%। अब 4 लाख और 10 लाख का जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा? 40%।
राइट तो जब हम कहते हैं पीवी रेशो इज 60%, इट मींस इसका जो बाकी अमाउंट, बाकी रेशो बच गई है वो कितना है, रिमेनिंग, यानी कि 40%। इस रिमेनिंग को अगर मुझे आपको प्रूफ करके दिखाना है कि वो रिमेनिंग जो है वो रिमेनिंग कैसे क्या है, तो इस पर्पज के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताऊंगा। मैं इनके पूछो, चलो एक काम करो कि आप वेरिएबल कॉस्ट रेशो बताओ क्या होनी चाहिए। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स, इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स। सो हम इसको ऐसे लिख देते हैं दैट इट्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। इज इट क्लियर? आपने ऑलरेडी ये कहा है अभी थोड़ी देर पहले दैट पीवी रेशो क्या होती है, राइट, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। मैंने इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को अब यहाँ पर बेसिकली ऐड कर दिया, 1+2 कर दिया, राइट। और जैसे आप ये 1+2 कर देते हो, तो आपने बहुत छोटी छोटी क्लासेस में सीखा था कि हम लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास वेरिएबल कॉस्ट रेशो प्लस पीवी रेशो, राइट, और राइट हैंड साइड आपके पास है वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 प्लस, और क्या है ये आपके पास, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। तो बच्चे हम लोग 100 कॉमन ले लेते हैं और ये सेल्स डिनोमिनेटर में आ जाता है, और बाकी बचता क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। और बच्चों वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन कुछ याद करके बताओ, हाँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जब किया था तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया था, राइट। और जब आप कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली सेल्स आ जाएगा, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन ये हो जाता है सेल्स, ये भी सेल्स है कैंसिल, एंड हाउ मच रिमेनिंग यू विल हैव, वेरिएबल कॉस्ट रेशो प्लस पीवी रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 100। और अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक परसेंटेज मालूम है तो दूसरा परसेंटेज अपने आप से आपको फाइंड हो जाएगा। इफ़ यू से पीवी रेशो 60%, वेरिएबल कॉस्ट रेशो 40%, इफ़ यू से पीवी रेशो 20%, इट विल बी 80%, दिस इज 70%, दिस विल बी 30%, इफ इट इज 40%, दिस विल बी, दिस इज आवर कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉपी करेंगे, थोड़ा सा फास्ट बच्चों, कॉपीड।
ओके बच्चों आगे चलते हैं। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा? 4। ओहो, आपने एक दुकान खोली हुई थी, मैंने बंद कर दी है ना। क्या नाम रखा था आपने? सीकेवी। और आपने कहा था इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए की, और फिक्स कॉस्ट का कोई एक अमाउंट बता दो। फिक्स कॉस्ट का हो जाएगा अमाउंट, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट। यस प्लीज। 1 लाख रुपए। तो आपने कहा 1 लाख रुपए पर एनम का खर्चा होता है। 1 लाख रुपए पर एनम, राइट। सॉरी, कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है, दैट इज बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। अब सर, ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? हाँ जी, देखो आप लोग जैसे बोलते हैं ना ब्रेक इवन पॉइंट, आपके मन में उसी समय स्ट्राइक करता है नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। अब से ये स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, आप से थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करो। आप इसमें मॉडिफाई ये करो, इट इज द लेवल ऑफ सेल्स। जब भी आपको ब्रेक इवन पॉइंट कहें, तो एक्चुअल में ये ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली लेवल ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट करता है, एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। और बच्चों, ये लेवल ऑफ सेल्स को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम डिफाइन कर सकते हैं यूनिट्स में, राइट, और एक डिफाइन कर सकते हैं रुपीस में। तो आप यूनिट्स में एंड रुपीस में दोनों में डिफाइन करेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, राइट। तो बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, कैन यू बिलीव दिस कि आप एक्चुअल में जो मार्केट में अपने अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताते हो, फाइंड करते हो, तो ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे आइडेंटिफाई होता है, कैसे फाइंड होता है? आप कहोगे सर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, राइट। जब आप रियली में मार्केट में जाओगे ना, तो जब आप कचौड़ी की दुकान खोलने जा रहे हो या कहीं पर भी किसी भी दुकान में जा रहे हो, उसके जैसी कई सारी दुकानें पहले भी खुली हुई हैं, राइट। तो डेफिनेटली अगर पहले से ही 3 शॉप्स पहले से ही हैं, 2, 3, 4, राइट, और आप पहले एक और शॉप खोल रहे हो, शॉप नंबर 1 आपके यहाँ पर है, तो वाई द कस्टमर विल गो टू योर प्लेस? आप नए नए खिलाड़ी हो, नए नए आपने कचौड़ी बनाने की बात की है, तो आप अपनी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सब रिकवर करना चाहते हो। ये लोग तो अपनी फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं, तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस अगर हाई रहोगे तो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पाओगे। एक्चुअली द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूटेशन प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, नो, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाईज। इट्स बेसिकली इट्स डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस कि मार्केट में बाकी लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। इसने इसका प्राइस रखा हुआ है 7 रुपए का, इसने रखा हुआ है 8 रुपए का, इसने रखा हुआ है सपोज करो 9 रुपए का, राइट। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करें, कम रखें 7 रुपए का, भाई अगर आप 10 रुपए रख देते हो आप जितना मर्जी फिक्स करते रहो अपने घर में, कस्टमर ही नहीं आएगा। 15 रुपए फिक्स कर दो, कस्टमर ही नहीं आएगा। तो डेफिनेटली आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट नहीं देखनी, बल्कि आपको ये भी देखना है कि आप अपने प्रोडक्ट का मार्केट के हिसाब से कितना प्राइस रख सकते हो। सपोज करो आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट रख दिया, एज्यूम दैट 5 रुपए 50 पैसे, 5 रुपए 50 पैसे। अच्छा, क्या ये प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से कम हो सकता है?
क्या ये प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से कम हो सकता है? नो. हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है. अगर आप ये ठान लो कि भाई मुझे तो वेरिएबल कॉस्ट से कम रख के लॉस बेयर करना है, आपने ठान लिया लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं मार्केट में इतनी सस्ती कचौड़ी बेचना शुरू कर दूंगा जिससे कि बाकी लोग कॉम्पिटेट नहीं कर पाएंगे, बाकी लोग कॉम्पिटेट नहीं कर पाएंगे, लॉस मैं पहले अर्न कर लूंगा, बाकी दुकानें बंद होने शुरू हो जाएंगे. दूसरी दुकानें जब बंद होने शुरू हो जाएंगी तो बस मेरी मोनोपोली होगी, देन आई विल इंक्रीज द प्राइस. दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द चाइनीज मार्केट, विद रिस्पेक्ट टू द टॉयज. आपको मालूम है इंडियन टॉयज इंडस्ट्री खत्म है. इंडिया में टॉयज के मैन्युफैक्चरिंग अब लगभग ना के बराबर है. और अगर आप 10 साल पहले चले जाओ तो 10 साल पहले टॉयज इंडस्ट्री मार्केट में इंडिया में बहुत जबरदस्त थी, राइट. चाइना वालों ने अपने वहां से यहां पर इंडिया में इतना माल भेजा और ऐसे रेट से भेजा जिस रेट को इंडियन मार्केट कॉम्पिटेट ही नहीं कर पाई, राइट. इंडियन मार्केट में अगर आप एक छोटा सा खिलौना 10 रुपए में बना रहे हो, आई रिपीट 10 रुपए में इंडिया में अगर आप बना रहे हो, तो चाइनीज वालों ने इस खिलौने को 3 रुपए में मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया. तो बच्चों, अगर आप 10 रुपए में कॉस्ट खर्च कर रहे हो, 3 रुपए में मार्केट में बिक रहा है, तो क्या इंडियन टॉयज इंडस्ट्री मार्केट में टिक सकती है? ऑब्वियसली नॉट. इंडियन मार्केट इसी तरह से कोलैप्स हो गई विद रिस्पेक्ट टू द टॉयज. और अब चाइनीज ने जब ये सब गेम खेल लिए है तो अब उन्होंने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए. सो ये तो स्ट्रैटेजी है, एक्चुअली दिस इज ए स्ट्रैटेजी. बट यस, अगर आपने लॉस बेयर नहीं करना तो कम से कम वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर होनी चाहिए, राइट. और वेरिएबल कॉस्ट के बाद जितना भी अमाउंट होगा, दैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन. और इसी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आप पूरी की पूरी गेम खेल रहे हो, यानी कि बिजनेस कर रहे हो. तो आपने कहा कि सेलिंग प्राइस अपना वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए. आपने सेलिंग प्राइस फिक्स किया 5 रुपीज़ 50 पैसा. तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें फिर से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की, तो सेल्स प्राइस पर यूनिट जो आपने फिक्स किया हुआ है वो है 5 रुपये 50 पैसे. इसमें से आप अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो 5 रुपये की, तो आपके पास अमाउंट बच कितना जाता है? कंट्रीब्यूशन कितने पैसे? 50 पैसे. कंट्रीब्यूशन 50 रुपये बच जाता है. और ये कंट्रीब्यूशन 50 पैसे क्या है? पर यूनिट, राइट. पर सर, वाकई में क्या, अगर मैं टोटलिटी की बात करूं, अगर आप एक कचौड़ी बेच दोगे तो 5 रुपये 50 पैसे मिलेंगे, 5 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट होगी, 50 पैसे का कंट्रीब्यूशन अर्न कर लोगे. बट आपका जो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट रखा हुआ है, ये अभी भी कितने रुपये का है? आपका फिक्स कॉस्ट का अमाउंट कितना है? 1 लाख का. हेयर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट. अब आपका इस लेवल पर, एक कचौड़ी बेचने के लेवल पर जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 9,99,999. 50 पैसे की पहले क्या रिकवर हो गई? फिक्स कॉस्ट. जब आप अपना वेरिएबल कॉस्ट से एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस रखते हो तो जो डिफरेंस है वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है. और जो डिफरेंस कंट्रीब्यूशन होता है, वो कंट्रीब्यूशन सबसे पहले फिक्स कॉस्ट की रिकवरी करता है, राइट. और धीरे धीरे करके ये फिक्स कॉस्ट की रिकवरी करता जाता है विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स. इफ आई से कि आप एक कचौड़ी नहीं बेच रहे बल्कि आप यहां पर 100 कचौड़ी बेच रहे हो, तो 100 कचौड़ी का मतलब हुआ कि आपका सेलिंग प्राइस 550 है, आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है 500 है. अब आपने कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न कर लिया है 50 रुपए का, और 1 लाख की फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम. और अब आपका जो प्रॉफिट मार्जिन बचा है, दैट इज नॉट अगेन सेम, इट विल बी 950 रुपए की रिकवरी हो गई है ना, 950. सो आई मस्ट से अब आपके बेसिकली 91 ज्यादा लग गया है, दिस इज 99,950. तो कहने का मतलब ये कि अब आपका प्रॉफिट हो गया 99,950, फिक्स कॉस्ट में से 50 रुपए की रिकवरी हो गई. तो जैसे जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे ज्यादा कचौड़ी बिकती रहेंगे, प्रॉफिट बाद में सबसे पहले क्या रिकवर होगा? फिक्स कॉस्ट, राइट. अब आप बताओ कि आप यहां पर कितनी नंबर्स ऑफ कचौड़ी मार्केट में बेचें, कितनी नंबर्स ऑफ कचौड़ी बेचें जिससे कि पहले तो हमारा प्रॉफिट लॉस जीरो ही आ जाए बस,
हाउ मच नंबर्स ऑफ कचोरीज वी शुड हैव टू सेल सो दैट द प्रॉफिट मार्जिन विल बी जीरो, राइट। तो ये जो नंबर्स ऑफ कचोरीज हैं जिस पर प्रॉफिट जीरो आएगा, इसी नंबर्स ऑफ कचोरीज को बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट लॉस जीरो नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या, नंबर्स ऑफ कचोरीज जिस पर प्रॉफिट जीरो आएगा, राइट। तो बच्चों हमें ये बताना, हमें बताना है तो कैसे करें, क्या करें, दिस इज वी हैव टू थिंक, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो क्या कहते हो, कैसे सोचें, क्या करें? सोचो सोचो सोचो, क्या करें क्या करें क्या करें। सर देखो बड़ा सिंपल है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन, एक यूनिट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट आपको कितने रुपए का अमाउंट कंट्रीब्यूशन अर्न कर रही है, 50 पैसे का। आपको सबसे पहले ये कंट्रीब्यूशन इतना अर्न करना है जिससे कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए की, वो 1 लाख रुपए के फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। नाउ यू हैव टू थिंक कि हाउ मच यूनिट यू हैव टू सोल्ड। एक यूनिट 50 पैसे, दो यूनिट 1 रुपया, राइट। तो कितनी यूनिट्स बेचे हैं जिससे कि 1 लाख रुपए की रिकवरी हो जाए, 1 लाख डिवाइड बाय 50 पैसा, राइट। और ये 1 लाख रुपए क्या चीज है, फिक्स कॉस्ट, और जो ये 50 पैसा क्या है, 50 पैसा क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपका ब्रेकवर्ड, तो आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू बेसिकली आपने कहा बेसिकली फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। और ये फिक्स कॉस्ट कितने रुपीस का था, 1 लाख का, और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने रुपीस का है, 0.50, राइट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया है 0.50, और जैसे ये आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो अब आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आपने निकाल दिया है, कितने रुपीस का आ गया सर, अच्छा यूनिट्स में है ना, रुपीस नहीं, दिस इज 2 लाख यूनिट। इसको हम चेक भी करते हैं, ऐसा क्यों माने, लेट अस चेक इट आउट। अगर आप मान लो 2 लाख यूनिट्स ही बेच रहे हो, अगर आप 2 लाख यूनिट्स बेच रहे हो तो टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स विल बी, मल्टीप्लाई करके बताना, 2 लाख × 5.5, जस्ट गिव मी द वैल्यू, कितना आता है, 11 लाख। तो 11 लाख रुपए की आपने सेल्स की है, 5 × 2 लाख, 10 लाख रुपए की आपने वेरिएबल कॉस्ट खर्च की है इसके लिए। तो 1 लाख रुपए का तो अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट ही, सॉरी 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन अर्न किया, और फिक्स कॉस्ट भी कितने की है, और प्रॉफिट कितना आ गया, 0। सो इन दिस वे यू विल हैव द प्रॉफिट ऑफ 0 एट क्या, 2 लाख यूनिट्स। सो दिस इज द बेसिकली क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। अच्छा, पर मैंने कहा सर इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं, प्लीज ऊपर ध्यान से, हमारा ये जो ब्रेक इवन पॉइंट था ये यूनिट्स में था, अब मुझे इसको रुपीस में भी निकालना है। तो व्हाट डू मीन बाय दिस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ब्रेक इवन पॉइंट कहा है 2 लाख यूनिट्स, इसकी जो सेल वैल्यू है ये वैल्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस होगा। भाई देखो, ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स इट इज अ लेवल ऑफ सेल्स का लेवल, पहले आपने किस फॉर्मेट में निकाला, और अब आप किस फॉर्मेट में निकालना चाहते हो, रुपीस में। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लेवल इन रुपीस। सो कैसे फाइंड करोगे, ये बड़ा आसान है सर, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में आपने जो पहले से फाइंड किया था ना, उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आंसर होगा वो रुपीस में आ जाएगा। अब सर अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया है, तो आपको बेसिकली राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्या है, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और बच्चों एक बार मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आंसर हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। और थोड़ा सा राइट हैंड साइड में ध्यान देना बच्चों, ऊपर ध्यान दो, मैं एक जादू करने वाला हूँ, आपको वो जादू ना लगे इसलिए ऊपर ध्यान दो। देखो ये जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, क्या मैं इसको डिनोमेटर में लेके आगे डिवाइड कर दूँ, दिस इज द मैथमेटिक रूल, राइट। सो आप इसको यहाँ पर ले आकर डिवाइड भी कर सकते हो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, राइट। और बच्चों जब आप ये जो नंबर है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसको भी हम एक नाम देते हैं, राइट, दिस इज द पीवी रेशो,
राइट। हाँ, इस पीवी रेशियो के अंदर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया गया। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते तो परसेंटेज में आ जाता, पर अभी हमने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया तो ये पीवी रेशियो फ्रैक्शन में है। पीवी रेशियो फ्रैक्शन में है मतलब, आप ये बताता हूँ आपको मैं, लाइक ये आपके पास बन गया फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी पीवी रेशियो एंड द पीवी रेशियो इज इन फ्रैक्शन, एफ लिख दिया। देखो मान लो पीवी रेशियो है एज्यूम डैट 40%, तो 40% को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? अगर 60% है तो इसको पॉइंट में कैसे लिखोगे? मतलब दैट इज अ फ्रैक्शन वैल्यू। तो हमें जब भी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालना है तो पीवी रेशियो फ्रैक्शन से डिवाइड कर देना है, आंसर जो होगा वो रुपीज में आ जाएगा। यस ना? सो दिस इज यू हैव, दिस इज अ फॉर्मूला, कॉपी करेंगे। तो ठीक है सर, आगे चलते हैं। ओके, कॉपी कर लिया आपने। इसके बाद सर एक पॉइंट और करवाना है मुझे आज की क्लास में, और नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट नंबर 5। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं? ठीक है सर। अब देखो, हम जो बिजनेस करते हैं तो क्या वाकई में ब्रेक इवन पॉइंट के लिए करते हैं या प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं? ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। हम लोग बिजनेस जो करते हैं वो करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। कॉन्सेप्ट नंबर 5, राइट, दैट इज सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट। और बच्चों, आप भी अगर एक बिजनेस की तरह से सोचोगे, अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करने से पहले ये जरूर सोचोगे, ये जरूर सोचना चाहोगे कि हम जिस बिजनेस में एंटर करने जा रहे हैं उस बिजनेस में कितना प्रोडक्ट हमें बेचना होगा ताकि हमारा अपना डिजायर प्रॉफिट अर्न हो जाए। आप इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद शॉप खोल रहे हो, दुकान खोल रहे हो, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, राइट। बट सर, उस प्रॉफिट के लिए किस लेवल तक आपको प्रोडक्शन करना है, किस लेवल तक आपने सेल करना है, अगर पहले से एस्टिमेटेड नहीं होगा तो डेफिनेटली आगे जाके हमें दिक्कत आ सकती है। मींस आपने कह दिया कि मुझे प्रॉफिट चाहिए 10 लाख रुपए का। अब 10 लाख रुपए का प्रॉफिट लाने के लिए आपको हर रोज 10,000 कचौड़ी बेचनी है, राइट, और जो कि फिजिबल नहीं है, तो विल यू गो फॉर दिस बिजनेस? नो, यू विल सिलेक्ट अनदर वन, राइट। सो दिस मस्ट बी इन द माइंड ऑफ द कंपनी दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ सेल्स इन यूनिट्स एंड इन रुपीज ऑल्सो वी शुड हैव टू डू फॉर द अर्निंग
डिजायर प्रॉफिट. सो दैट इज द बेसिकली टॉपिक कॉन्सेप्ट नंबर 5. राइट, तो ये कैसे बच्चों, देखो वही सब कुछ जो हमने पहले किया था. हमने कहा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हमने ये मान लिया कि पाँच रुपये पचास पैसे का है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, पाँच रुपये का है. तो डिफरेंस जो आ गया वो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि 50 पैसे का. राइट, ये सब कुछ पर यूनिट चल रहा है और फिक्स कॉस्ट भी है, और जो फिक्स कॉस्ट है वो है 1,00,000 रुपये की. राइट, और इसके साथ साथ अब हमारा डिज़ायर प्रॉफिट भी है. हम ये चाहते हैं कि हम लोग 2,00,000 रुपये का डिज़ायर प्रॉफिट भी अर्न करें. और अब हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हम एक साल के अंदर कितनी नंबर्स ऑफ यूनिट्स यानी कि कितनी नंबर्स ऑफ कचौड़ीस बेचें जिससे कि हम इस लेवल ऑफ डिज़ायर प्रॉफिट पर पहुंच पाएं. राइट ना, तो व्हाट यू से, कैसे कितना आप कहेंगे. सर देखो, पहले फिर से एक यूनिट जो हमें कंट्रीब्यूशन दे रही है वो कितने के लिए, कितना दे रही है, 50 पैसे. ये 50 पैसे सबसे पहले यूज होंगे फॉर द रिकवरी ऑफ, और जब फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी तो ये 50 पैसे हमें प्रॉफिट देंगे. राइट, और प्रॉफिट हम कितना अर्न करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से 50-50 पैसे इकट्ठा करते हुए, 50 पैसे इकट्ठा करते हुए हम 3,00,000 रुपए की फिगर पे पहुंचना चाहते हैं. 1,00,000 फॉर द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड 2,00,000 फॉर द रिकवरी ऑफ प्रॉफिट. राइट, सो हाउ मच टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट्स वी वांट टू सेल फॉर दिस डिजायर प्रॉफिट. हम कहेंगे दैट वी हैव टू रिकवर नंबर 1 फिक्स कॉस्ट, वी हैव टू रिकवर नंबर 2 डिजायर प्रॉफिट. राइट, और सर इन दोनों की रिकवरी बेसिकली कहां से अराइज होगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से. राइट, और अगर ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से रिकवरी होगी तो ध्यान दो ना सर, देखो फिक्स कॉस्ट है 1,00,000 रुपए की, डिजायर प्रॉफिट है 2,00,000 रुपए का, और एक यूनिट हमें बेसिकली 50 पैसे अर्न करके दे रही है, तो 3,00,000 रुपए की रिकवरी 50-50 पैसे करते हुए हमारे पास जो अमाउंट मतलब नंबर्स ऑफ यूनिट सोल्ड होंगी वो कितनी होंगी, 6,00,000. राइट सर, तो बच्चों ऐसे ऐसे कह लो कि अगर आप 6,00,000 यूनिट्स अगर सेल करते हो देन यू विल हैव द डिजायर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,00,000. लेट अस कंप्यूट करते हैं. मैंने कहा हम लोग 6,00,000 यूनिट्स के लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो 6,00,000 इंटू 5.5 कितना बच्चे बताओ, 33 लाख्स. राइट, 5 इंटू 6,00,000 कितना, यस 30 लाख्स, माइनस कर दो तो कितना आ गया, 3,00,000. और 3,00,000 में से सबसे पहले क्या रिकवर होगा, फिक्स कॉस्ट, और अब आपके पास जो बच गया डैट इज योर प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने रुपीज का, 2,00,000 रुपीज का. दिस इज आवर डिजायर प्रॉफिट. राइट, तो ये फॉर्मूला किस चीज का है, मैंने फिर से लिख दिया, दिस इज द सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट. इस डिजायर प्रॉफिट को आप रिक्वायर्ड प्रॉफिट कह दो, गिवन प्रॉफिट कह दो, नॉन प्रॉफिट कह दो, मीन्स अगर हमें प्रॉफिट का अमाउंट पता हो तो हम यूनिट्स कितनी बेचनी चाहिए इस गिवन अमाउंट के लिए, वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, बट फिर से जिस तरह से आपने ब्रेक इवन पॉइंट जो है यूनिट्स में भी फाइंड किया था पहले, और आपने ब्रेक इवन पॉइंट पहले रुपीस में भी फाइंड किया था, ऐसे ही ये जो सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट है, ये सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट भी यूनिट्स एंड रुपीस दोनों में फाइंड हो सकता है. ये था सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट इन यूनिट्स. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट इन रुपीस. तो बच्चों व्हाट डू यू से, कैसे निकालें, वही सब करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, लेफ्ट में भी और राइट में भी. फिर से जब डिवाइड करेंगे तो अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं आएगा, उसके जगह पर क्या आ जाएगा, पीवी रेशियो. राइट, तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास बेसिकली फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. और जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है वो किस टर्म में होगी, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में क्यों, क्योंकि फिर डिवाइड करते हुए हमने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया होगा. सॉरी, इज इट क्लियर. चलो बहुत अच्छी बात है, तो ये हमने फॉर्मूला सीख लिया. तो कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया हमारा, 5.
और कॉन्सेप्ट नंबर 5 के बाद कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 और कॉन्सेप्ट नंबर 6 इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और आई कैन से दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। दिस कैन फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स and also in terms of rupees. So, ये margin of safety क्या होता है, इसका concept क्या है, ये आपके सामने जो लिखा वो क्यों लिखा, right? इसके साथ साथ इसके क्या significance है, ये कहाँ कहाँ पर use होगा, right? ये सब हम करेंगे next class में, राइट। सो आज के क्लास में हम लोग इतना करते हैं, कुछ तबीयत ठीक नहीं है आपको बताया, तो इस वजह से थोड़ा सा कम पढ़ाते हैं आज। और नेक्स्ट क्लास में हम जब करेंगे तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपको लिखवा रहे हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट ही बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग का बेस है, राइट। मीन्स यू कैन से दीज आर द पिलर्स ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग। इसके ऊपर सारा मार्जिनल कॉस्टिंग जो स्ट्रक्चर है वो सब कुछ टिका हुआ है। और आपके बुक में जो आपके हाथ में है, जो भी क्वेश्चन दिए हैं, दीज आर मैक्सिमम। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास से कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे और क्वेश्चन शुरू भी हो जाएगा और होमवर्क भी मिलना शुरू हो जाएगा, राइट सर? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।